कमाला फिर आज हम लोग एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, रोटर स्पिनिंग कैलकुलेशन। इस रोटर स्पिनिंग कैलकुलेशन के माध्यम से हम रोटर स्पिनिंग में प्रोडक्शन में जनरली जो कैलकुलेशन होते हैं उस कैलकुलेशन को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सपोज दैट नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन, जो हमारा यार्न प्रोड्यूस हो रहा है उस यार्न में जो है नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन कितने हैं, यार्न में ट्विस्ट कितना है, रोटर स्पिनिंग में जो है ट्विस्ट कितना है, ट्विस्ट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इस रोटर स्पिनिंग में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्राफ्ट को कैलकुलेशन, ड्राफ्ट कैलकुलेशन रोटर स्पिनिंग में ड्राफ्ट कितना इनपुट हो रहा है उस ड्राफ्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। रोटर स्पिनिंग में प्रोडक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर, प्रोडक्शन को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और वाइंडिंग में जो है पैकेज डेंसिटी क्या होती है, वाइंडिंग में कैलकुलेशन कैसे, वाइंडिंग का कैलकुलेशन कैसे होगा, इन सारे कैलकुलेशन को हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। तो आइए देखते हैं, आप पूरे लेक्चर में ध्यान से जो है बने रहिए और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से जो है आपको सुनने की जरूरत है और देखने की जरूरत है, जिससे कि ये लेक्चर का में जो है कैलकुलेशन रोटर स्पिनिंग से संबंधित जो कैलकुलेशन है वो आपको जो है समझ में आ जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक जो है हमने आपको फिगर लिया है रोटर स्पिनिंग को रिव्यू करने के लिए कि ये स्पिनिंग है जिसका हम लोग जो है कैलकुलेशन ड्राफ्ट और ट्विस्ट इन यार्न को हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप रोटर स्पिनिंग देख रहे हैं, हमने स्लाइबर को फिट किया, रोटर हमारा जो है फिट रोलर के माध्यम से स्लाइबर फिट हुआ, ओपनिंग रोलर मेटल को ओपन किया और मेटल जो है ओपन फाइबर जो है रोलर रोटर में जो है फाइबर जो है इंसर्ट होते रहते हैं और रोटर से जो है ट्विस्ट जो है यार्न में ट्विस्ट इंसर्ट होती है, ट्विस्ट इंसर्ट होकर के यार्न जो है फाइनली वाइंडिंग रोलर पे कोन या चीज फार्म में हमारा जो है यार्न जो है पैकेज, यार्न पैकेज के रूप में वाइंड अप हो जाता है। तो आपको जैसा कि पता है कि रोटर स्पिनिंग में प्रोसेस जो है रोटर स्पिनिंग से हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हमें वाइंडिंग की ऑटो कोनर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे बिग पैकेज ऑलरेडी फार्म हो रहा है और पीछे जो है हमारा स्पीड फ्रेम था, स्पीड फ्रेम जो है इलिमिनेट होता हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा मटेरियल डायरेक्ट जो है स्लाइवर फार्म में, यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है डायरेक्ट जो है स्लाइवर फार्म में फीड रहा है, एक कैन स्लाइवर है जो कि यहाँ पे डायरेक्टली जो है हमें फिनिशर से मिलता है और इसको हम फीड करते हैं, यानी पीछे की मशीन स्पीड फ्रेम और आगे की पोस्ट स्पिनिंग की मशीन हमारी वाइंडिंग ऑटो कूनर मशीन जो हमारी रिमूव इलिमिनेट हो जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल को देखते हैं कि हमारी जो है रोटर स्पिनिंग कैसे वर्क करती है, जिससे कि हमें कैलकुलेशन में और आसानी हो जाएगा कि हम ये हमारा फीड रोलर है, फीड रोलर के माध्यम से हमारा स्लाइबर यहाँ पे फीड हो रहा है, स्लाइबर की और यहाँ पे ओपनिंग हुई, स्लाइबर की ओपनिंग होकर के जो है फाइबर जो है आपकी एक ट्यूब के माध्यम से रोटर में इंटर करता है और रोटर से जो है ट्विस्ट इंसर्ट होकर के फाइनली जो है हमारा यार्न जो है पैकेज में वाइंड अप हो जाता है। ये यहाँ पे तीनों फिगर जो है इस रोटर स्पिनिंग के प्रिंसिपल को ही शो कर रहे हैं, हमने अलग अलग फिगर को ले लिया है जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में कि हमारा जो है प्रिंसिपल रोटर स्पिनिंग कैसे वर्क करती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फीड मटेरियल हमारा स्लाइबर है, जैसा कि आपने पीछे ऊपर जो है कैन फीडिंग को देखा, यहाँ पे हमारा जो है फीड मटेरियल स्लाइबर, स्लाइबर हमको स्लाइबर फीड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा फीड रोलर है, फीड रोलर के माध्यम से जो है हमारा स्लाइवर फीड होता है ओपनिंग रोलर में, ओपनिंग रोलर मेटल की ओपन करता है, फाइबर टू फाइबर ओपनिंग एंड क्लीनिंग होती है, ट्रेस जो है यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं और ये ट्यूब के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्ट ट्यूब के माध्यम से फाइबर हमारे जो है रोटर में जो है फीड होते हैं, रोटर में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और रोटर से जो है रोटर हमारा हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा है और यहाँ पे फाइबर जो रोटर के सरफेस पे बाहरी अंदर की तरफ बाहरी सरफेस पे जो है रोटेट करते हैं और यार्न के साथ यार्न का जो ओपन एंड है जब रोटर में इंसर्ट होता है उसके साथ जो है हमारे फाइबर ट्विस्ट होकर के और हमारी डिलीवरी होती है। यहाँ पे हमारा टेकअप रोलर होता है और टेकअप रोलर जो है टेकअप रोलर मेटल को जो है टेकअप करके जो है वाइंडिंग पैकेज पे जो है यार्न को वाइंड करता है। तो इस तरीके से हमारा जो है स्लाइबर टू यार्न में स्लाइबर टू यार्न रोटर स्पिनिंग के माध्यम से स्लाइबर टू यार्न का कन्वर्जन हो जाता है। अब हम कैलकुलेशन को देखेंगे कि कैलकुलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे जो है ड्राफ्ट का कैलकुलेशन करेंगे,
कि हमारा ड्राफ्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जो यार्न बनेगा यार्न में नंबर ऑफ फाइबर कितने आएंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन स्टेप टू स्टेप फाइबर से आगे बढ़ते हैं कि फाइबर से हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखते हैं इन रोटर स्पिनिंग फाइबर काउंट एंड दस द नंबर ऑफ फाइबर इन द यार्न क्रॉस सेक्शन प्रोबेबली हैव ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द यार्न एंड स्पिनिंग रिजल्ट। कह रहे हैं कि इन रोटर स्पिनिंग फाइबर काउंट जो है, जो फाइबर है यानी फाइबर की फाइननेस को यहाँ पे फाइबर काउंट कहा जा रहा है, यानी फाइबर फाइननेस यानी फाइबर काउंट एंड द नंबर ऑफ फाइबर इन यार्न क्रॉस सेक्शन, और उस यार्न में जो है नंबर ऑफ फाइबर कितने हैं, ये यार्न की क्वालिटी को, यार्न के रिजल्ट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी इट्स डिपेंड्स ऑन, यानी इसके जो है यार्न की क्वालिटी जो है नंबर ऑफ फाइबर और फाइननेस पे, यार्न के जो है जो आप फाइबर काउंट कर रहे हैं यानी फाइबर फाइननेस या फाइबर काउंट की जो है, यार्न की जो है क्वालिटी जो है फाइबर फाइननेस और फाइबर नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो फाइबर काउंट यानी फाइबर जो काउंट है यानी फाइननेस है फाइबर की, फाइबर काउंट या फाइबर फाइननेस माइक्रोनेयर या डिटेक्स, जो फाइबर की फाइननेस होगी वो माइक्रोनेयर में होगी या डिटेक्स में होगी। देखिए यहाँ पे जो है हम अलग अलग सिस्टम में जो है डिस्कशन करेंगे और फाइबर की फाइननेस को हम माइक्रोनेयर और डिटेक्स में जो है डिस्कस करेंगे। तो हम इससे पहले हमारे एक यूट्यूब पे जो है हमने एक लेक्चर था फाइबर फाइननेस एंड यार्न नंबरिंग सिस्टम, अगर आप इस लेक्चर से पहले आप उस यार्न नंबरिंग फाइबर फाइननेस एंड यार्न नंबरिंग सिस्टम को आप एक बार रिव्यू कर लें, देख लें, तो ये दोनों लेक्चर जो है कोरिलेट हो जाएंगे और आपको और बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप जो है चाहे तो जो है फाइबर फाइननेस एंड यार्न नंबरिंग सिस्टम को एक बार आप जरूर सुन लें। तो फाइबर आगे बढ़ते हैं, फाइबर काउंट माइक्रोनेयर आर टेक्स, यानी हमारा जो फाइबर काउंट होगा या फाइबर फाइननेस होगी वो किस में होगी, माइक्रोनेयर या डिटेक्स में होगी। फाइबर काउंट जो है फाइबर माइक्रोनेयर या डिटेक्स में होगी। फाइबर काउंट डिफाइन द स्पिनिंग लिमिट, यानी जो फाइबर की फाइननेस है उससे स्पिनिंग लिमिट, यानी वो मिनिमम फाइबर जो है, वो मिनिमम फाइबर जो जिससे वीविबिलिटी लोम पे जो है वीविबिलिटी मिल सके उसको हम स्पिनिंग काउंट कहते हैं, यानी वो मिनिमम काउंट जिस काउंट पे जो है हमारी जो है रिंग फ्रेम पे या रोटर पे ब्रेकेज कम हो और लूम पे जो है हमें वीविबिलिटी मिल सके, जिसको हम जो है लूम पे जो है वार्प और वेव में आसानी से जो है वीव कर सकें जिससे ब्रेकेज कम हो, यानी उस मिनिमम काउंट, उस काउंट को हम जो है लिमिट काउंट यानी लिमिट काउंट कहते हैं, स्पिनिंग लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइबर काउंट डिफाइन द स्पिनिंग लिमिट, दैट इज द रेशियो ऑफ फाइबर काउंट टू द यार्न काउंट, यानी रेशियो ऑफ फाइबर काउंट एंड यार्न काउंट का जो रेशियो है वो ये जो है स्पिनिंग लिमिट को जो है डिसाइड करता है। द रोटर स्पिन यार्न मस्ट बी स्पन विथ हायर नंबर ऑफ फाइबर एटलीस्ट 90 to 110। नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में रोटर यार्न में कितने होंगे, जनरली जो है 90 to 110 एंड 120 इन द यार्न क्रॉस सेक्शन, और कभी कभी 120 भी होगा। उस केस किस केस में होगा आगे हम लोग ये देखेंगे कि किस केस में 120 भी होगा। आगे बढ़ते हैं, द स्पिनिंग लिमिट, अब यहाँ पे हम जो है स्पिनिंग लिमिट को डिस्कस करेंगे कि हमारी स्पिनिंग लिमिट क्या है। तो स्पिनिंग लिमिट जो है हम NM में मेट्रिक काउंट यानी इंग्लिश काउंट और टेक्स जो है डायरेक्ट सिस्टम में, टेक्स में जो है हम तीनों ही सिस्टम में स्पिनिंग लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहां पे ध्यान से देखें, स्पिनिंग लिमिट टेक्स सिस्टम में हमारी स्पिनिंग लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटेक्स यानी ये फाइबर का जो है फाइननेस है या आप कह लें काउंट है, फाइबर काउंट यानी डिटेक्स फाइबर का इनटू नंबर ऑफ फाइबर यानी फाइबर की फाइननेस इनटू नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय 10। इससे जो है हमें यार्न की जो है स्पिनिंग लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी, या अगर जो है इंग्लिश सिस्टम में माइक्रोनेयर यानी फाइबर की फाइननेस माइक्रोनेयर में इनटू NF नंबर ऑफ फाइबर डिवाइड बाय 25.4। इससे जो है स्पिनिंग लिमिट हमें मिल जाती है। और स्पिनिंग लिमिट अगर मेट्रिक काउंट हो, स्पिनिंग काउंट मेट्रिक काउंट हो, तो मेट्रिक काउंट के केस में
10,000 डिवाइड बाई डिटेक्स फाइबर का, फाइबर का जो है फाइननेस डिटेक्स में इंटू नंबर ऑफ फाइबर, इस वैल्यू से 10,000 को डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पिनिंग लिमिट जो है मेट्रिक काउंट में मिल जाती है। और जो है आगे जो बढ़ते हैं, 25,400 डिवाइड बाई माइक्रोनियर डिवाइड बाई माइक्रोनियर इंटू एन एफ नंबर ऑफ फाइबर, यानी हमें जब माइक्रोनियर पता है तो उस केस में जो है हम 25,400 को डिवाइड करेंगे माइक्रोनियर से और नंबर ऑफ फाइबर से, तो उस केस में हमें जो है स्पिनिंग लिमिट मेट्रिक सिस्टम में मिल जाएगी। स्पिनिंग लिमिट इंग्लिश काउंट में जो है स्पिनिंग लिमिट यानी सिस्टम में जब फाइबर का जो है जो फाइबर फाइननेस है जो है टेक्स में हो तो 5917 डिवाइड बाय टेक्स फाइबर का, फाइबर का टेक्स इनटू नंबर ऑफ फाइबर, इससे हम वैल्यू को जो है इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे हमें जो है इंग्लिश काउंट में जो है स्पिनिंग लिमिट हमें मिल जाती है। या 15,030 डिवाइड बाय माइक्रोनियर इनटू नंबर ऑफ फाइबर, माइक्रोनियर से जो है हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पिनिंग लिमिट इंग्लिश काउंट में हमें जो है मिल जाती है। तो इस तरीके से हम अलग अलग सिस्टम में फाइबर की फाइननेस के और नंबर ऑफ फाइबर के हेल्प से जो है स्पिनिंग लिमिट को हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। एनएफ यानी जो है एनएफ यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फाइबर गिवन फॉर द स्पिनिंग लिमिट इन द बिलो, जो है यहाँ पे जो है एनएफ जो है आपका जो है नंबर ऑफ फाइबर है, और हम स्पिनिंग लिमिट को जो है एक टेबल के माध्यम से देखेंगे कि हमारी स्पिनिंग लिमिट जो है अलग अलग फाइबर में अलग अलग फाइननेस में जो अलग अलग फाइननेस में जो है कितनी नंबर ऑफ फाइबर जो है होते हैं। नंबर ऑफ फाइबर अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ फाइबर इन यार्न क्रॉस सेक्शन एनएफ इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, वहां आपने जो है स्पिनिंग लिमिट को देखा, ऊपर आपने जो है स्पिनिंग लिमिट को कैलकुलेट किया, और यहाँ पे आप जो है नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ फाइबर क्रॉस सेक्शन में जो है नंबर ऑफ फाइबर कितने हैं। तो नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन एनएफ जब हमारा टेक्स जो है यार्न जो है टेक्स सिस्टम में हो तो टेक्स यार्न का टेक्स इंटू 10 डिवाइड बाई फाइबर डिटेक्स फाइबर डेसीटेक्स फाइबर डेसीटेक्स, तो इस यानी यार्न के टेक्स को फाइबर के डेसीटेक्स से डिवाइड कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन हमें मिल जाएगा। या 5917 को डिवाइड करेंगे यानी इंग्लिश काउंट यानी इनटू डिटेक्स फाइबर का डेसीटेक्स में फाइबर काउंट डेसीटेक्स में इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें जो है नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन मिल जाते हैं। या 10,000 डिवाइड बाय एनएम यानी यहां पे इंग्लिश काउंट मेट्रिक काउंट होगा मेट्रिक काउंट इनटू डेसीटेक्स ऑफ फाइबर इस वैल्यू से जो है डिवाइड करते हैं 10,000 को तो हमें नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एनएफ क्या है आपका नंबर ऑफ फाइबर इन यार्न क्रॉस सेक्शन, जो है एमआईसी क्या है माइक्रोनियर, शॉर्ट में जो हमने एमआईसी लिखा है वो क्या है माइक्रोनियर, वाई यार्न को इंडिकेट कर रहा है और कैपिटल एफ जो हमारे फाइबर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ नंबर ऑफ फाइबर को कैलकुलेट करेंगे और ऊपर जो आपने देखा कि जो है हम स्पिनिंग लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो स्पिनिंग लिमिट और नंबर ऑफ फाइबर का कैलकुलेशन इस तरीके से जो है यार्न में होगा। और नंबर ऑफ फाइबर एनएफ जब हमारा यार्न जो है टेक्स में हो और हमें फाइबर की फाइननेस जो है माइक्रोनियर में पता हो, वहां पे जो ऊपर आपने देखा वहां पे फाइबर की फाइननेस जो है डेसीटेक्स में थी और यहाँ पे जो है फाइबर की फाइननेस जो है माइक्रोनियर में, जब आपको फाइबर की फाइननेस कॉटन फाइबर है कॉटन फाइबर की फाइननेस आपको माइक्रोनियर में पता हो तब आप जो है नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे यानी टेक्स यार्न का टेक्स इनटू 25.4 डिवाइड बाय माइक्रोनियर या 15,030 डिवाइड बाय इंग्लिश काउंट इनटू माइक्रोनियर या 25,400 डिवाइड बाय एनएम इनटू माइक्रोनियर, यानी इस वैल्यू को हम जो है 25,400 डिवाइड बाय एनएम इंग्लिश मेट्रिक काउंट है हमारे यहाँ पे मेट्रिक काउंट है इनटू माइक्रोनियर। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ फाइबर को जो है इन क्रॉस सेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें फाइबर की फाइननेस माइक्रोनियर में पता है तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे और जब नंबर फाइबर की फाइननेस हमें जो है
डेसीटेक्स में पता है, तो हम एवं जो इससे ऊपर हम लोगों ने फार्मूला देखा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आगे आगे बढ़ते हैं। एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि जो है अलग अलग काउंट के केस में जो है हमारी स्पिनिंग लिमिट कितना होगी। स्पिनिंग लिमिट 100% कॉर्डेड कॉटन के केस में 110 यान क्रॉस सेक्शन, जनरली जो है 110 क्रॉस सेक्शन को हम नंबर ऑफ फाइबर कितना लेंगे, 110 इन क्रॉस सेक्शन, उस केस में स्पिनिंग लिमिट हमारी कितनी आएगी। अगर हमारा माइक्रोनेयर कॉटन फाइबर का माइक्रोनेयर 3.2 है तो उस केस में हमारी जो स्पिनिंग लिमिट जो कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे जो है मेट्रिक है, ये जो तीन काउंट हमने लिया है, मेट्रिक काउंट, इंग्लिश काउंट और टेक्स्ट, यहाँ पे हमारा मेट्रिक काउंट यानी मेट्रिक काउंट जो बनेगा 3.2 माइक्रोनेयर से वो हमारा जो है 72 nm का बनेगा। अगर इंग्लिश काउंट में बनेगा तो 43 जो है इंग्लिश काउंट कितना होगा 43, यानी उस केस में जब नंबर ऑफ फाइबर 110 हो, 110 नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में होंगे और स्पिनिंग लिमिट हमारी आएगी 43 और टेक्स में आएगी हमारी स्पिनिंग लिमिट 14। तो इस तरीके से अगर हम जो है यहाँ पे अलग अलग फाइननेस ले रहे हैं फाइबर की माइक्रोनेयर में, अलग अलग फाइननेस ले रहे हैं और इस अलग अलग फाइननेस से जो है हम यार्न की जो है स्पिनिंग लिमिट एनएम में, एनई में यानी मेट्रिक काउंट, इंग्लिश काउंट और टेक्स में जो है कैलकुलेट करते हैं इस टेबल के माध्यम से। यहाँ पे जो आप डबल स्टार देख रहे हैं इसका जो है मतलब है व्हेन, यानी 4.5 आप जो है जो माइक्रोनेयर देख रहे हैं, व्हेन यूजिंग कॉम्ड फाइबर स्पिनिंग लिमिट इज 9200 फाइबर, जब हम जो है कॉम्ड फाइबर को जो है लेते हैं तो उस केस में स्पिनिंग लिमिट नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन हमारे कम होते हैं, यानी यहाँ पे कार्डेड काउंट है 110 हमारे नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन होंगे स्पिनिंग लिमिट के केस में, और यहाँ पे जो है यानी 9200 फाइबर जब हम कॉम्ड फाइबर लेंगे। और कोर्सर फाइबर के केस में जब हमारा जो है फाइबर जो है 4.5 या उससे एबव जो है फाइबर की फाइननेस हो, उस केस में द मोस्टली शॉर्ट फाइबर इन दिस केस द स्पिनिंग लिमिट एटलीस्ट 120 फाइबर इन द यार्न क्रॉस सेक्शन, और उस केस में जब हमारे कोर्स फाइबर होंगे यानी 4.5 माइक्रोनेयर से जब हमारी फाइननेस अधिक होगी उस केस में जो है कोर्स फाइबर के केस में जो है हमारी स्पिनिंग लिमिट जो है फाइबर की लेंथ कम हो जाती है कॉटन की, और उस केस में हम स्पिनिंग लिमिट को 100 स्पिनिंग लिमिट में जो है नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन 120 लेते हैं। यहाँ पे जो है हम ऊपर आपने देखा वो कॉटन फाइबर के लिए था, यहाँ पे हम मिक्स ब्लेंड फाइबर के लिए जो है ब्लेंड जो हमारे स्पिनिंग लिमिट मैनमेड फाइबर एंड ब्लेंड फाइबर और मैनमेड फाइबर के केस में 90 फाइबर पर यान क्रॉस सेक्शन, यानी यान क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ फाइबर स्पिनिंग लिमिट की कितनी होगी 90 होगी। उसमें अलग अलग फाइबर अलग अलग फाइननेस से जो है हम यान को जो है स्पिनिंग लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वेरी फाइन फाइबर है, इस केस में जो है हम रोटर स्पिनिंग से जो है यान पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जब हम 1.1 डेसीटेक्स या उससे ऊपर बढ़ते हैं तब हम जो है यान जो है रोटर स्पिनिंग से इजिली प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो सपोज दैट 1.1 डेसीटेक्स है, उस केस में हमारी जो है अलग अलग सिस्टम में जो स्पिनिंग लिमिट यार्न की जो हमारी स्पिनिंग लिमिट आएगी वो जो होगी 101 60 एंड यानी 101 मेट्रिक काउंट nm 60 ne एंड 10 टेक्स। तो अलग अलग फाइननेस से हम यार्न की स्पिनिंग लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइबर काउंट फाइननेस ऑफ ब्लेंड जब हम ब्लेंड यानी ब्लेंड हम अलग अलग फाइबर को मिक्स करते हैं, यानी सपोज दैट पॉलिस्टर और हमारा जो है कॉटन फाइबर मिक्स है, उस केस में जो है हम फाइबर की एवरेज फाइबर फाइननेस कैसे निकालेंगे और हम जो है स्पिनिंग लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेन यहाँ पे है कि जब हमारे फाइबर मिक्स हो तो फाइबर हमारा ना ही जो है 4.2 माइक्रोनेयर का है और ना ही 1.3 डिटेक्स का है, तो हम इन दोनों में से एक वैल्यू को एक सिस्टम में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज दैट कॉटन है
कार्टन को जो है माइक्रोनियर में, इस माइक्रोनियर वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसी टेक्स में और फिर इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इन ब्लेंड द अर्थमेटिक मीन फाइबर काउंट डेसी टेक्स आर माइक्रोनियर इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। यानी जो है हमारा फाइबर जो है एक पर्टिकुलर परसेंटेज में मिक्सिंग है, ब्लेंडिंग है। सपोज दैट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 67% पॉलिस्टर 1.3 डीटेक्स का, यानी पॉलिस्टर है वो 1.3 डीटेक्स का है और परसेंटेज कितना है पॉलिस्टर का 67%, और जो कॉटन है वो 33% है और कॉटन की फाइननेस कितना है 4.2। अब हम इसका एवरेज फाइननेस निकालेंगे। सबसे पहले जो है यार्न लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइननेस चाहिए, तो हम फाइबर की एवरेज फाइननेस निकालेंगे। वो कैसे, हम इस 4.2 को कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो, इस माइक्रोनियर वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं डेसीटेक्स में। तो माइक्रोनियर इक्वल टू 1.65, यानी कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.65। कैसे आएगी, डेसीटेक्स कॉटन, कॉटन का डेसी टेक्स हो जाएगा माइक्रोनियर इंटू 0.394। यानी इस माइक्रोनियर वैल्यू को हम 0.394 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी डेसी टेक्स में। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू को और हमारा कन्वर्ट होकर के आ गया 1.65। अब फाइबर हमारा मिक्सिंग ब्लेंड फाइबर है, तो ब्लेंड फाइबर का जो है फाइबर फाइननेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल फाइबर काउंट यानी फाइनल फाइबर फाइननेस या काउंट इक्वल टू 67% यानी परसेंटेज ऑफ फाइबर इनटू फाइननेस। परसेंटेज ऑफ फाइबर कितना है 67 इनटू फाइननेस पॉलिस्टर की 1.3 डेसीटेक्स डिवाइड बाय 100 प्लस यहाँ कॉटन की का जो है परसेंटेज इनटू कॉटन का फाइबर का फाइननेस डेसीटेक्स में। अब दोनों एक सिस्टम में फाइननेस हो गई है इन, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से और दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है वो डेसीटेक्स, ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये कॉटन मिक्स, अब ये जो है मिक्स फाइबर की फाइननेस हो गई। इस फाइननेस की हेल्प से हम जो है स्पिनिंग लिमिट को, यार्न की स्पिनिंग लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइव फॉर ड्राफ्ट ट्विस्ट वाइंडिंग एंड टेंशन जो है हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप जो रोटर में जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं आप देख लीजिए, ये हमारा फीड रोलर है, फीड रोलर है, ओपनिंग रोलर है, ये हमारी जो है ट्यूब है जिससे फाइबर ट्रांसफर होते हैं रोटर है, और ये हमारा डिलीवरी रोलर है, ये हमारा जो है फाइनल पैकेज है और ये वाइंडिंग शाफ्ट है। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करते हैं इस चीज को हमें समझना है कि हमें हम यहाँ पे कैलकुलेशन रोटर स्पिनिंग में क्या कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ड्राफ्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे किसके किसके हेल्प से, जो है ये हमारा फीड रोलर है और डिलीवरी रोलर, यानी जो ड्राफ्ट का कैलकुलेशन होगा वो फीड रोलर और डिलीवरी रोलर के हेल्प से होगा। यानी हमें फीड रोलर का डाटा चाहिए और डिलीवरी रोलर का डाटा चाहिए जिससे हम ड्राफ्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे कि इस रोटर स्पिनिंग में ड्राफ्ट का कितना अप्लाई हो रहा है। और आगे जो है इस जो है ट्विस्ट का कैलकुलेशन, जो है ट्विस्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे रोटर रोटर का आरपीएम, यानी रोटर हमारा किस आरपीएम से मूव कर रहा है, और डिलीवरी रोलर जो है किस स्पीड से हमारी यार्न की डिलीवरी हो रही है। तो इन दोनों के हेल्प से हम ट्विस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और वाइंडिंग टेंशन हम कैलकुलेट करेंगे डिलीवरी रोलर और वाइंडिंग शाफ्ट के हेल्प से हम जो है वाइंडिंग का कैलकुलेशन करेंगे, और वाइंडिंग पैकेज जो हमारा फाइनल पैकेज है उस पैकेज पे जो है कितना हमारा जो है वाइंडिंग हो रही है, कितनी केजी वाइंडिंग हो रही है, और पैकेज डेंसिटी क्या है, इसकी जो है पैकेज डेंसिटी क्या है, इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली जो है हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे ड्राफ्ट का, यानी ड्राफ्ट रेशियो हम कैसे निकालेंगे, स्पीड डिलीवरी सिलेंडर जो है हमारा जो डिलीवरी है, डिलीवरी जो है डिलीवरी की स्पीड डिवाइड बाई फीड रोलर की स्पीड। ट्विस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ एन रोटर स्पीएम रोटर स्पीड यानी रोटर आरपीएम रोटर की स्पीड डिवाइड बाई डिलीवरी सिलेंडर यानी डिलीवरी की स्पीड। वाइंडिंग टेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशियो ऑफ यानी जो है
नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग शाफ्ट, वाइंडिंग शाफ्ट का जो है स्पीड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ डिलीवरी सिलेंडर यानी डिलीवरी रोलर की स्पीड। तो इस तरीके से हम वाइंडिंग टेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे। पैकेज डेंसिटी या नेट मास, यानी जो है यहाँ पे नेट मास से आप समझ लीजिए कि जो हमारा जो पैकेज है, जो यार्न है, इसको वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे कौन या चीज का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब हम पैकेज लेंगे तो उस पैकेज से जो है हम पैकेज का वेट करेंगे और पैकेज के वेट से जो है कौन या चीज का वेट माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट मास जो है आ जाएगा किसका, यार्न का। तो यहाँ के पे जो है पैकेज डेंसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यार्न नेट मास, यार नेट मास किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाय यार नेट वॉल्यूम सेमी क्यूब में। तो यहाँ पे जो है हम इस पैकेज का जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पैकेज का वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं और उस वॉल्यूम को जो है इस मास को जो है डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, तो हमें पैकेज डेंसिटी पीडी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीडी, हमें प्राप्त हो जाती है पैकेज की। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं ड्राफ्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जनरली जो है द ड्राफ्ट यूज इन मिल प्रैक्टिस आर बिटवीन 60 to 400 वोल्ट। जनरली रोटरी स्पिनिंग में जो ड्राफ्ट जो अप्लाई होता है वो 60 से 400 के बीच में जो है ड्राफ्ट अप्लाई होता है। द डिग्री ऑफ ड्राफ्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हम अलग अलग तरीके से जो है ड्राफ्ट का जो है आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि स्पीड के माध्यम से, यार्न हैंग के माध्यम से, फाइबर के माध्यम से, हम जो है अलग अलग जो है हम डाटा से जो है ड्राफ्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ड्राफ्ट का कैलकुलेशन हम ड्राफ्ट देख रहे हैं, ड्राफ्ट इक्वल टू मेट्रिक काउंट, यानी जो है धागा हमारा जब मेट्रिक काउंट में है, इंग्लिश काउंट में है और किलो टेक्स में, यानी और डायरेक्ट सिस्टम में टेक्स में है, तो हम ड्राफ्ट का इस ड्राफ्ट को हम एक्चुअल ड्राफ्ट करेंगे। ये जो मटेरियल से आप ड्राफ्ट कैलकुलेशन करेंगे ये आपका एक्चुअल ड्राफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो है ड्राफ्ट का कैलकुलेशन जो है मेट्रिक काउंट में, अगर धागा हमारा मेट्रिक काउंट में है तो NM यार्न का, यानी यार्न काउंट मेट्रिक सिस्टम में डिवाइड बाय स्लाइबर काउंट मेट्रिक सिस्टम में, या जो है इंग्लिश काउंट किस सिस्टम में, यार्न काउंट इंग्लिश काउंट में और स्लाइबर काउंट इंग्लिश काउंट में, डिवाइड बाय स्लाइबर काउंट इंग्लिश काउंट में, यानी हम यार्न के काउंट को डिवाइड कर देंगे किससे, स्लाइबर के काउंट से, जब वो इंग्लिश सिस्टम में हो तो इस तरीके से और मेट्रिक सिस्टम में हो तो इस तरीके से, और जब जो है डायरेक्ट सिस्टम में हो यानी किलोटेक्स में, या हमारा जो है स्लाइबर किलोटेक्स में होगा और जब यार्न जो हमारा टेक्स में होगा, तो हम कैसे जो है कैलकुलेशन करेंगे ड्राफ्ट का, 1000 इंटू किलोटेक्स ऑफ स्लाइबर, स्लाइबर का किलोटेक्स और डिवाइड बाय टेक्स ऑफ यार्न, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ड्राफ्ट जो है एक्चुअल ड्राफ्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा रोटर स्पिनिंग में। आर ट्रांसफर टू द मशीन, और मशीन में अगर हम जो है, ये तो एक्चुअल आपका जो है मटेरियल से कैलकुलेशन हो गया, अगर हम मशीन से कैलकुलेशन करते हैं जिसको हम मैकेनिकल ड्राफ्ट करते हैं, तो उसका उस तरीके उसका हम ड्राफ्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ड्राफ्ट इक्वल टू, यहाँ पे ड्राफ्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ यार्न डिलीवरी मीटर पर मिनट, यानी डिलीवरी स्पीड डिवाइड बाई स्लाइबर इनटेक मीटर पर मिनट। तो डिलीवरी स्पीड मीटर पर मिनट में और डिवाइड बाय स्लाइबर इनटेक मीटर पर मिनट, यानी स्लाइबर की जो एंट्री हो रही है, जो फीड रोलर जो है मेटल को इनटेक ले रहा है, उसकी स्पीड किस में, मीटर पर मिनट में। तो इस तरीके से हम ड्राफ्ट का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं और करते हैं। यहाँ पे जो है हम आपको बैक डबलिंग को बताएंगे कि बैक डबलिंग क्या चीज होती है। जब रोटर स्पिनिंग में फाइबर जो है बेडिंग होता है, ये वन बाय वन एक के बाद जो ट्यूब से जब ओपनिंग के बाद फाइबर जो है रोटर स्पिनिंग में स्लाइबर के फॉर्म में इंटर करता है, और जो हमारा ओपनिंग रोलर होता है, ओपनिंग रोलर जो है फाइबर को ओपन करता है और ट्यूब के माध्यम से, फिट ट्यूब के माध्यम से जो है कॉनिकल ट्यूब के माध्यम से फाइबर हमारे इंटर होते हैं किसमें, रोटर में। जब रोटर में इंटर होते हैं तो फाइबर वन बाय वन, एक के ऊपर दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर, एक के ऊपर एक फाइबर की बेडिंग होती जाती है, और उस फाइबर को हम जो है बोलते हैं बैक डबलिंग फाइबर। ये बैक डबलिंग से यार्न की जो है यूनिफॉर्मिटी लेवल जो है इंप्रूव होती है। तो यहाँ हम बैक डबलिंग को जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस डबलिंग में नंबर ऑफ फाइबर कितने हैं, इस डबलिंग में जो है नंबर ऑफ फाइबर कितने हैं, कितने की डबलिंग हो रही है, कितने फाइबर की
डबलिंग हो रही है, तो बैक डबलिंग में हम जो है बैक डबलिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो है प्री कलेक्शन इन द रोटर ग्रुप्स बैक डबलिंग। बैक डबलिंग इसको हम कहते हैं जब रोटर में जो है फाइबर जो है वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर जो है कलेक्ट होते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक डबलिंग। द नंबर ऑफ फाइबर डबल फाइबर लेयर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हम नंबर ऑफ फाइबर बैक डबलिंग में जो है नंबर ऑफ फाइबर को, यानी जिसको हम डबलिंग, हम ड्रा फ्रेम में डबलिंग कहते हैं, यहाँ पे हम बैक डबलिंग कह रहे हैं। तो नंबर ऑफ फाइबर द नंबर ऑफ बैक डबल्ड फाइबर लेयर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बैक डबलिंग डी इक्वल टू रोटर सर्कमफेरेंस, यहाँ पे जो है रोटर का सर्कमफेरेंस लेंगे यानी पाई डी इनटू यार्न ट्विस्ट डिवाइड बाय 1000। रोटर सर्कमफेरेंस इनटू यार्न ट्विस्ट, जो यार्न जो रोटर से जो यार्न बन रहा है उसमें ट्विस्ट पर मीटर में, और डिवाइड बाय 1000 में। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें जो है यार्न की जो है फाइबर की जो डबलिंग हो रही है नंबर ऑफ फाइबर की, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी रोटर सर्कमफेरेंस रोटर डाया पाई इंटू डी इंटू यार्न ट्विस्ट टर्न पर मीटर यार्न का डिवाइड बाय 1000। बैक डबलिंग यहाँ हम एग्जांपल से जो है बैक डबलिंग को जो हम समझेंगे एग्जांपल के रूप में। यार्न मेट्रिक काउंट में एनएम जो है 34, इंग्लिश काउंट 20, अल्फा एम 135, अल्फा ई 4.45 एंड रोटर डायमीटर रोटर 5 35 mm। यहाँ ट्विस्ट पर मिनट को हम जो है कैलकुलेट करेंगे, ट्विस्ट पर मिनट इक्वल टू अंडर रूट एन एम इंटू अल्फा एम, वैल्यू हम पुट करेंगे 34 इंटू 135। इस तरीके से वैल्यू को पुट करके हम कैलकुलेट करते हैं तो 787 ट्विस्ट पर मिनट हमारी आएगी। ट्विस्ट पर इंच इक्वल टू अंडर रूट एन ई इंटू अल्फा ई इक्वल टू अंडर रूट 20, वैल्यू को हम पुट करेंगे अंडर रूट 20 इंटू 4.45 इक्वल टू 20 ट्विस्ट पर इंच। बैक डबलिंग डी को हम कैलकुलेट करेंगे 35 mm यानी जो है डायमीटर ऑफ रोटर इंटू 3.14 इंटू 787 डिवाइड बाई 1000। हम वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो है बैक डबलिंग आती है 86 डबल्ड फाइबर लेयर, 86 फाइबर की डबलिंग हो रही है। और इंग्लिश काउंट के रूप में अगर हम पुट करते हैं बैक डबलिंग डी इक्वल टू 35 mm डायमीटर ऑफ रोटर इंटू 3.14 इंटू 20 ट्विस्ट पर इंच इंटू 39.37। हम ट्विस्ट पर इंच को 39.37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्विस्ट पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड बाय 1000। और वैल्यू को हम पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 86 डबल फाइबर, यानी 86 फाइबर की जो है यहाँ पे डबलिंग हो रही है। यार्न एंड स्लाइवर काउंट, यार्न और स्लाइवर काउंट को हम जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्राफ्ट के साथ, कैसे जो है इनका रिलेशन होता है। यार्न एंड स्लाइवर काउंट आर दस कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एनएम यार्न मेट्रिक काउंट में यार्न को हम जो है यार्न का जो है काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनएम स्लाइवर इंटू ड्राफ्ट, ड्राफ्ट को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्लाइवर के काउंट से, तो हमारा जो है वैल्यू आ जाती है यार्न का जो है काउंट कैलकुलेट हो जाता है। और अगर इंग्लिश काउंट में यार्न इक्वल टू यन ई स्लाइवर काउंट इनटू ड्राफ्ट। टेक्स के केस में यार्न इक्वल टू 1000 इनटू किलो टेक्स ऑफ स्लाइवर डिवाइड बाय ड्राफ्ट। यहाँ पे जो है 1000 जो स्लाइवर का टेक्स वैल्यू है उसको हम जो है डिवाइड करते हैं ड्राफ्ट से तो हमारी यार्न का ड्राफ्ट कैलकुलेट हो जाता है, जब हमें यार्न का टेक्स जो है टेक्स में यार्न कैलकुलेट करना है उस केस में। यार और जो है एनएम जो है स्लाइवर, अगर हमें स्लाइवर का कैलकुलेट करना है काउंट तो एनएम यार्न डिवाइड बाय ड्राफ्ट, जो है यार्न काउंट को हम जो है ड्राफ्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें स्लाइवर का जो है काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी स्लाइवर डिवाइड इक्वल टू यानी यार्न डिवाइड बाय ड्राफ्ट। किलोटेक्स ऑफ स्लाइवर का किलोटेक्स यानी जो है टेक्स हमें कैलकुलेट करना है तो किलोटेक्स जो है कैलकुलेट करना है उस केस में यार्न टेक्स टेक्स ऑफ यार्न इनटू ड्राफ्ट डिवाइड बाय 1000। ड्राफ्ट ऑन रोटर स्पिनिंग मशीन आर मच हायर देन इन रिंग स्पिनिंग, जो है रोटर स्पिनिंग के केस में जो है ड्राफ्ट जो है रिंग स्पिनिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है।
यान ट्विस्ट एंड ट्विस्ट मल्टीप्लायर अल्फा एम जो है आर अल्फा ई कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ ट्विस्ट इन ए यान. हायर द डिग्री ऑफ ट्विस्ट एंड हायर द यान टेंसिटी. द ट्विस्ट मल्टीप्लायर फॉर वीविंग एंड निटिंग यान नेचुरली डिफर. जो है जो ट्विस्ट मल्टीप्लायर हम लोग जो ट्विस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो है अल्फा एम और मेट्रिक काउंट में अल्फा एम और इंग्लिश काउंट में अल्फा ई हम जो है इस्तेमाल करते हैं. ये जो है डिग्री ऑफ ट्विस्ट नंबर ऑफ ट्विस्ट पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितना होनी चाहिए. और जब हम इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस केस में जो है हमारी यार्न की स्ट्रेंथ भी जो है डिफर करेगी. और इन दोनों की वैल्यू अल्फा एम और अल्फा ई की वैल्यू कार्डेड यार्न के लिए अलग होगी और जो है हमारे जो है वीविंग यार्न के लिए जब यार्न को हमें वोवेन फैब्रिक बनाना है उस केस में जो है ट्विस्ट का लेवल अलग होगा और जब नीटेड फैब्रिक बनाना है उस केस में अलग होगा. तो नीटेड में जनरली ट्विस्ट का लेवल कम होता है तो अल्फा एम और अल्फा ए की वैल्यू भी कम होगी. कैलकुलेशन ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे जो है ट्विस्ट का हम जो है कैलकुलेशन कैसे करते हैं. यार्न ट्विस्ट ट्विस्ट पर मीटर इक्वल टू मेट्रिक काउंट अगर हमें पता है तो एन एम मेट्रिक काउंट इंटू अल्फा एम तो हमें वैल्यू मिल जाती है और जो है ट्विस्ट पर मीटर मिल जाती है. और इसी अगर जो हमें इंग्लिश काउंट है तो इंग्लिश काउंट से जो है ट्विस्ट पर मीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे. इंग्लिश काउंट यानी इंटू अल्फा ई यहाँ पे जो है अल्फा जो है ई की वैल्यू यानी यहाँ मेट्रिक काउंट की में अल्फा ई एम था और जो है यहाँ पे अल्फा ई होगी यानी अल्फा ई होगा जिसकी वैल्यू जो है ट्विस्ट पर इंच के केस में. तो हम वैल्यू को पुट करेंगे और इसको 39.37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है ट्विस्ट पर इंच जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें ट्विस्ट पर मीटर में. यार्न ट्विस्ट पर मीटर इक्वल टू अल्फा टेक्स डिवाइड बाय अंडर रूट टेक्स यानी हम वैल्यू को जो है ट्विस्ट पर मीटर को जो है हम जब हमें मेट्रिक काउंट पता है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे. इंग्लिश काउंट पता है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे और टैक्स के रूप में हमें काउंट पता है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे. इन तीनों के माध्यम से आपने ट्विस्ट पर मीटर को देखा. ट्विस्ट पर इंच इक्वल टू अंडर रूट अल्फा ई इंटू अल्फा अंडर रूट एन ई इंटू अल्फा ई और इक्वल टू अंडर रूट एन एम इंटू अल्फा एम. अब यहाँ पे जो है डिवाइड करेंगे किससे 39.37 से अगर हमारा मेट्रिक काउंट में है तो ट्विस्ट पर इंच को निकालने के लिए हम जो है ट्विस्ट 39.37 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू हमारी ट्विस्ट पर मीटर जो था वो ट्विस्ट पर इंच में कन्वर्ट हो जाएगा. एक कन्वर्जन फैक्टर है कन्वर्जन फैक्टर डिटेक्स और माइक्रोनेयर के केस में जो है ये 39.37 कन्वर्जन. नंबर ऑफ यार्न टर्न पर मीटर नंबर ऑफ यार्न टर्न पर मीटर इक्वल टू हम जो अब रोटर स्पिनिंग रोटर मशीन से हम जो कैलकुलेशन जो है कैसे करते हैं. यहाँ पे देखिए तो कि जो रोटर स्पिनिंग से जो यार्न प्रोड्यूस हो रहा है उस यार्न में जो ट्विस्ट इंसर्ट हो रही है वो ट्विस्ट जो है कैसे इंसर्ट हो रही है और कितना इंसर्ट हो रही है. तो नंबर ऑफ यार्न टर्न पर मीटर इक्वल टू रोटर स्पीड आरपीएम में रोटर का आरपीएम डिवाइड बाय डिलीवरी स्पीड मीटर पर मिनट यानी रोटर के आरपीएम को हम डिलीवरी स्पीड से जो मीटर पर मिनट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ट्विस्ट पर मिनट जो है हमें मिल जाता है. ट्विस्ट पर मिनट जो है हमें मिल जाएगा यान में. तो इस फार्मूले से जो है ट्विस्ट पर जो है हम ट्विस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं रोटर स्पिनिंग के केस में. रोटर प्रोडक्शन कैलकुलेशन रोटर का हम प्रोडक्शन जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे. रोटर प्रोडक्शन इक्वल टू रोटर स्पीड रोटर की स्पीड इंटू 1.0937 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाई ट्विस्ट पर मीटर इंटू 840 इंटू यानी इंग्लिश काउंट इंटू 2.202 इंटू 100. इस जो है फार्मूले से हम रोटर का प्रोडक्शन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं केजी पर स्पिंडल पर डे यानी एक स्पिंडल से एक दिन में कितना प्रोडक्शन होगा. इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं रोटर स्पीड जो आरपीएम में होगा इस 1.0937 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो मीटर में है एक मीटर की ट्विस्ट है तो जो डिलीवरी आएगी वो मीटर में होगी
और यहाँ पे हम इंग्लिश काउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस जो डिलीवरी मीटर में जो हमारी लेंथ आ रही है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यार्ड में। तो यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.0937 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी पूरी लेंथ जो है ये लेंथ जो है डिलीवरी जो लेंथ है वो कन्वर्ट हो जाती है यार्ड पर मिनट, यार्ड पर मिनट में, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आवर की डिलीवरी लेंथ हो जाएगी, 8 से 8 आवर की जो है डिलीवरी लेंथ हो जाएगी, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आवर की डिलीवरी यानी एक दिन की जो है लेंथ कितना जो है उस स्पिंडल से इनटू एफिशिएंसी। तो इस तरीके से पूरी हमारी लेंथ हो गई, डिवाइड बाई 840 कर देंगे तो पूरी जो यार्ड वैल्यू है वो हैंक में कन्वर्ट हो जाएगी, और यानी से डिवाइड जो है डिवाइड कर देंगे तो पूरा वेट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा पाउंड में। 2.202 से डिवाइड कर देंगे पूरे वैल्यू को तो हमारा जो पाउंड वैल्यू है वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इफिशियंसी 100 में, इसलिए 100 परसेंटेज में है इसलिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम रोटर स्पिनिंग का प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, किसमें केजी पर स्पिंडल पर डे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरी सिंपल लाइक दैट रिंग स्पिनिंग। अब यहाँ पे जो है रोटर स्पिनिंग का को हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से वैल्यू को पुट करेंगे। काउंट 20 यानी सपोज दैट हम 20 काउंट रोटर में बना रहे हैं। टीपीएम हमारा ट्विस्ट पर मीटर इक्वल टू है 750, स्पीड हमारी है रोटर की 130,000, एफिशिएंसी 95%, नंबर ऑफ रोटर 240। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे एक स्पिंडल का कैलकुलेट करेंगे कि हम यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जो रोटर है 240 है इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक स्पिंडल का हम कैलकुलेशन करेंगे कि एक स्पिंडल का प्रोडक्शन हमारा कितना है। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे रोटर आरपीएम इंटू 1.0937 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 95 और डिवाइड बाई 750, 840 इंटू 20 इंटू 2.202 इंटू 100। इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 7.016 केजी पर स्पिंडल पर डे हमारा प्रोडक्शन एक रोटर स्पिनिंग के एक स्पिंडल से हमारा प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से हम रोटर स्पिनिंग का आसानी से जो है प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकेज फॉर्मेशन, जो पैकेज फॉर्म हो रहा है वो किस तरीके का पैकेज फॉर्म हो रहा है, सिलिंड्रिकल पैकेज मैक्सिमम डाया, अगर आप चीज पे फॉर्म करते हैं तो उस केस में हमारा सिलिंड्रिकल पैकेज जो है फॉर्म होगा। मैक्सिमम डायमीटर 350 mm और मैक्सिमम पैकेज वेट 6 kg का जो है पैकेज मैक्सिमम फॉर्म होगा। और जब कोनिकल आप कोन पे जो है अगर पैकेज को फॉर्म करते हैं तो कोनिकल पैकेज 2 degree 4 degree 51 minute अगर फॉर्म होता है तो उस केस में जो हमारा जो है कोनिकल जो पैकेज है मैक्सिमम डायमीटर 280 mm होगा। पैकेज वेट डिपेंड्स ऑन द पैकेज डेंसिटी, और इस केस में जो है कह रहा है कि जो पैकेज वेट होगा वो पैकेज डेंसिटी पे जो है डिपेंड करता है। अब यहाँ एक पैकेज डेंसिटी की बात होगी, इसको हम लोग आगे देखते हैं। वाइंडिंग इज कैरिड आउट एट ए स्पीड ऑफ अप टू 350 meter per minute एज कंपेयर्ड विद 1400 meter per minute इन वाइंडर। यहाँ पे एक वाइंडिंग का कंपेरिजन दिया है कि यहाँ पे जो रोटर स्पिनिंग में वाइंडिंग जो हो रही है यहाँ कौन या चीज पे जो वाइंडिंग हो रही है वो डिलीवरी हमारी मैक्सिमम जो है 350 की है या उससे कम की है, तो उसी स्पीड से यहाँ पे वाइंडिंग होगी। जबकि रोटर स्पिनिंग में जो हमारी वाइंडिंग होती है वो जनरली जो है 1400 meter या प्लस माइनस में जो है हमारी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे वाइंडिंग जो हमारी हो रही है वो रोटर की जो डिलीवरी है उसी स्पीड से हमारी वाइंडिंग हो रही है। पैकेज फॉर्मेशन, जो हमारा पैकेज जो फॉर्म हो रहा है, हम यहाँ पे पैकेज जो वाइंडिंग हो रही है वाइंडिंग का भी प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम इस फार्मूले से जो है प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि वाइंडिंग का हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो वाइंडिंग प्रोडक्शन पर ड्रम पर डे केजी पर स्पिंडल पर डे में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एमपीएम यानी मीटर पर जो है मिनट्स, मीटर पर मिनट यानी स्पिंडल की स्पीड है, स्पिंडल की स्पीड मीटर पर मिनट में, इंटू 1.0937 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाई 840 इंटू यानी इंटू 2.202 इंटू 100। इस तरीके से हम जो है जो पैकेज में हमारी वाइंडिंग हो रही है वाइंडिंग से प्रोडक्शन कितना आ रहा है, वाइंडिंग ड्रम पे प्रोडक्शन कितना आ रहा है वो हम इसको इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।
पैकेज डेंसिटी को हम यहाँ पे देखते हैं, पैकेज डेंसिटी गामा इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, यानी यार्न का मास यानी नेट मास, हमने ऊपर बताया था आपको नेट मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो गामा हो जाएगा यार्न नेट मास ग्राम में डिवाइड बाई यार्न वॉल्यूम सेमी क्यूब में. स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर पैकेज डेंसिटी फॉर यार्न मेड फ्रॉम कॉटन एंड कॉटन लाइक फाइबर, या जो है जो कॉटन से हमारा जो है कॉटन के केस में हमारी पैकेज डेंसिटी कितना होती है, गामा इक्वल टू 0.33 टू 0.38 ग्राम पर सेमी क्यूब, ये यानी जो पैकेज डेंसिटी पीडी होगी वो 0.33 से लेकर के 0.38 ग्राम पर सेमी क्यूब होगी. और हार्ड पैकेज हमारा, अगर हार्ड पैकेज हमारा हार्ड होगा उस केस में हमारी जो है पैकेज डेंसिटी क्या होगी, 0.38 से लेकर के 0.42 ग्राम पर सेमी क्यूब की, अगर इस रेंज में हमारी पीडी आती है तो पैकेज हमारा हार्ड होगा, और इस रेंज में अगर हमारी जो है पीडी आती है, पैकेज डेंसिटी आती है, तो नॉर्मल पैकेज हमारा जो है इस केस में हमारा नॉर्मल पैकेज होगा. तो इस तरीके से हम पैकेज डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं. और यहाँ पे जो है या तो रिंग से जो है हम वाइंडिंग कर रहे हो ऑटो कॉर्नर पे या यहाँ पे, तो पैकेज डेंसिटी जो है इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. वीविंग यार्न, यहाँ पे हम एक जो है टेबल के माध्यम से आपको जो है हम रोटर स्पिनिंग के जो अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग स्पीड, अलग अलग ट्विस्ट, हम जो है अलग अलग काउंट में जो ट्विस्ट होगा उसका हमने डाटा लिया है. उस इस डाटा के माध्यम से आप जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि हमारा जो है स्पीड क्या होगी, प्रोडक्शन क्या होगा, और जो है यार्न की क्वालिटी क्या होगी. तो आइए हम एक काउंट को जो है देखते हैं, यहाँ पे हम 20 काउंट को देख रहे हैं. तो यार्न काउंट हमारा कितना है, यार्न काउंट 20 है. अल्फा ई यानी ट्विस्ट मल्टीप्लायर हमारा कितना होगा, 4.3 होगा 20 काउंट के केस में कॉटन में. और ट्विस्ट मल्टीप्लायर होगा 757 ट्विस्ट पर मीटर, अगर हम ट्विस्ट पर मीटर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 757 पर मीटर आएगी. रोटर फाई यानी रोटर डायमीटर हमारा एमएम में होगा 28. रोटर आरपीएम, यहाँ पे हमारा जो रोटर है वो किस आरपीएम से मूव कर रहा है, 1,40,000 आरपीएम से हमारा रोटर मूव कर रहा है. डिलीवरी जो है यहाँ पे हमारी 185 मीटर पर मिनट की डिलीवरी एफिशिएंसी 97%. प्रोडक्शन ग्राम्स पर आवर, यहाँ पे प्रोडक्शन का जो कैलकुलेशन है वो ग्राम्स पर आवर का कैलकुलेशन है. तो 318 का जो है हमारा इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा ग्राम्स पर आवर आएगा 318 ग्राम्स पर आवर एक स्पिंडल से. तो इस तरीके से जो है हमें यार्न का जो क्वालिटी है 20 काउंट के का डाटा है, अलग अलग काउंट का जो है हम कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं. यहाँ पे जो है नीटिंग के केस में जो है ट्विस्ट के लेवल स्लाइटली कम हो जाता है कंपेयर देन वीविंग यार्न के कंपेयर में. तो हम इस जो है 20 काउंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ ट्विस्ट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम है और ओवरऑल ट्विस्ट की वैल्यू, ट्विस्ट पर मीटर की वैल्यू कम हो जाती है. तो इस डाटा से जो है हम जो है नीटिंग यार्न और वीविंग यार्न का जो है कंपेरिजन कर सकते हैं. यहाँ पे आपने जो है इस लेक्चर के माध्यम से आपने फाइबर नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन का कैलकुलेशन, ड्राफ्ट का कैलकुलेशन, ट्विस्ट का कैलकुलेशन और प्रोडक्शन का कैलकुलेशन और पैकेज डेंसिटी जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे कैलकुलेशन जो है रोटरी स्पिनिंग के कैलकुलेशन को आपने समझता जो है आपने इस लेक्चर में देखा. मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा. अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.